नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। तमिलनाडु के पूर्व मंत्री वी सेंथिल बालाजी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सेंथिल बालाजी को जमानत दी है। महाराष्ट्र में भारी बारिश की वजह से प्रधानमंत्री मोदी की पुणे यात्रा कैंसिल हो गई है। महाराष्ट्र के कई जिलों में इस समय बारिश से बुरा हाल है। मुंबई में आज दोपहर 2:05 पर हाई टाइड का अलर्ट है। समंदर की लहरें 2.29 मीटर तक उठ सकती है। आज यूपी बीजेपी ओबीसी मोर्चा दिल्ली में राहुल गांधी के घर का घेराव करेगी। दिल्ली में यूपी गेट से राहुल गांधी के घर तक पैदल मार्च होगा। झारखंड में तुपकड़िया रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी के दो डिब्बे पटरी से उतर गए। मालगाड़ी बोकारो स्टील प्लांट से बल्लभगढ़ जा रही थी। मुंबई में आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। पालघर, नासिक, सोलापुर और सातारा में भी बारिश की चेतावनी दी गई है। महाराष्ट्र समेत कई जिलों में बारिश से बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ताबड़तोड़ रैलियां हैं। शाह आज केंद्र शासित प्रदेश में 5 रैलियों को संबोधित करेंगे। महाराष्ट्र के फर्जी आईएएस अफसर पूजा खेड़कर मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई है। कोर्ट उनकी अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज छत्तीसगढ़ जाएंगे। मुंबई के अंतरीय विलेपाले बांधा समेत कुर्ला घाटकों पर वर्ली सहित कई इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। इसके चलते आज मुंबई में कई इलाकों में स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी आज से प्रचार की शुरुआत करेंगे। केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारी आज मुंबई जाएंगे। इसके बाद वो 27 सितंबर को कई राजनीतिक पार्टियों और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में हरियाणा चुनाव के लिए लंबे समय से भाजपा के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। रूस पर बड़े यूक्रेन के हमलों से व्लादिमीर पुतिन तिलमिला गए हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की चेतावनी दी है। महाविकास आघाड़ी की घटक दल NCP-SP के नेताओं का दावा है कि विधानसभा चुनाव में महायुति 100 से ज्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। बदलापुर यौन उत्पीड़न मामले में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारे गए आरोपी अक्षय शिंदे के पिता ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर महाराष्ट्र पहुंचे हैं। यहां उन्होंने सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार के साथ मंगलवार रात को बैठक की। सिंधुदुर्ग जिले के राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की नई प्रतिमा की स्थापना की प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसको लेकर सरकार ने फंड भी जारी कर दिया है। शेयर बाजार में आज मिला जुला ट्रेंड देखा जा रहा है। सुस्ती के बाद शेयर बाजार में सेंसेक्स और निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर आ गए हैं। देवरा फिल्म 27 सितंबर को रिलीज होने वाली है। फिल्म में सैफ अली खान विलेन का किरदार निभा रहे हैं। ऐसे में फैंस NTR और सैफ को आमने सामने देखने के लिए काफी एक्साइटेड है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यू ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC न्यूज। नमस्कार।